आइडियल कैपेसिटर अगर हम एसी सप्लाई से जोड़ दें तो क्या होगा करंट, लेट अस सी। अवर टॉपिक इज आइडियल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। देखिए ये आइडियल कैपेसिटर एसी सप्लाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा डी, हमने कनेक्ट किया ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा डी, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी है। तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, क्यू बाय सी, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से जानते हैं। अब किरचॉफ लॉ, इट सेज व्हाटएवर यू प्रोवाइड टू सिंगल एलिमेंट दैट गोज टू वोल्टेज ऑफ दैट एलिमेंट। भाई अगर एक ईएमएफ है, एक एलिमेंट है, सारा ऐसा चलेगा, दो एलिमेंट हो तो दो में डिवाइड होता कंडीशन सप्लाई के साथ, तो ये ई इस वी के बराबर होता है। दिस इज वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। व्हाट इज वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, क्यू बाय सी। व्हाट इज ई, ई नॉट साइन ओमेगा डी। हमारा एम क्या है भाई, इस बार हमारा एम है आइडियल कैपेसिटर को एसी सप्लाई से जोड़ने पर क्या होगा इसका बिहेवियर, क्या होगा करंट, ये जानना है। तो करंट जानना है, यू नो करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से आप चार्ज को फाइंड करें पहले, तो Q इज E नॉट इंटू सी इंटू साइन ओमेगा डी। इस चार्ज को यहां पुट कर दें, कहां पर, इस जगह पर, ये चार्ज यहां पुट करते हैं E नॉट इंटू सी इंटू साइन ओमेगा डी। कॉन्स्टेंट चीजें बाहर ले लें, E नॉट इंटू सी। अब साइन ओमेगा डी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा डी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा डी। लंबी गहरी सांस लें, फिर आई इज इक्वल टू आएगा ई नॉट इंटू सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब ये जो लिखा है इसको बोलते हैं आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ई नॉट सी ओमेगा। इसे आप ऐसे भी लिखते हैं ई नॉट डिवाइडेड बाय वन अपॉन ओमेगा सी। बात ही की है भाई, वन अपॉन डिवाइड करें ये ऊपर चला जाएगा, पर ये काम आएगा डिफाइन करने में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आगे बताएंगे अगले लेक्चर में। अभी हम आपको बता रहे हैं ये जो करंट है आइडियल कैपेसिटर जब एसी से कनेक्ट हो, ये करंट आगे होता है, इट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। पहले इसको देखें, तो यहां आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा डी आता है, इसे नोटिस करें और एक लंबी गहरी सांस भरें। एज पर क्वाड्रेंट रूल्स अगर आप इसे मैनेज करें कॉस को साइन में, तो आप देखेंगे इट इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब नोटिस करिए ईएमएफ कितने एंगल पर है, व्हाट इज द एंगल ऑफ ईएमएफ, दिस इज ओमेगा टी। करंट का क्या एंगल है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। नोटिस करो ईएमएफ ओमेगा टी एंगल पे है और करंट का एंगल ओमेगा टी से ज्यादा है, यानी कि इट लीड्स। कैपेसिटर को एसी सप्लाई से जोड़ने पर करंट 90 डिग्री आगे होता है, तो इसे कहते हैं हेंस प्रूव्ड करंट लीड्स ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू व्हेन कैपेसिटर, प्रॉपरली स्पीकिंग आइडियल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एसी। देखो बेटा इसका फेजर डायग्राम भी साथ में देखो, फेजर डायग्राम व्हेन प्योर और आइडियल कैपेसिटर कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। आप पहले दो डेरिवेशंस में सीख चुके हैं, ईएमएफ ओमेगा टी एंगल पर है, यू नो दिस ओमेगा टी इज थीटा, साइन थीटा, जीरो डिग्री से आप लिखते हैं थीटा। तो ये बनेगा फेजर डायग्राम फॉर ईएमएफ। आप चाहें तो ई नॉट लिख सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट ईएमएफ का एंगल है ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी। देखो जीरो के रिस्पेक्ट में कोई भी एंगल हो ऐसे बनाते हैं। लंबी गहरी सांस लें, फिर करंट का क्या एंगल है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब होता है जो करंट है बेटा वो ईएमएफ से 90 डिग्री आगे है। देखो आगे का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज। देखो जीरो सम एंगल ओमेगा टी 90, फिर ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक जाते हैं एंगल बढ़ता है। तो अब मुझे ईएमएफ से 90 डिग्री आगे एंगल बनाना है, तो ईएमएफ से 90 डिग्री बनाना है। रिपीट,
एक्स या वाई से 90 नहीं बनाना है, ये ईएमएफ से आगे है करंट, एक्स या वाई से आगे नहीं है। तो जहां भी आपका ईएमएफ की लाइन है उस ईएमएफ से 90 डिग्री आगे जाइए और इसे बनाइए, दिस इज करंट। आर यू गेटिंग इट? आप इसे आई नॉट लिखे, ई नॉट लिखे, दैट इज यू नो योर चॉइस, बट यू नो एट एनी इंस्टेंट ये ईएमएफ अगर ओमेगा डी एंगल पर है तो उसी इंस्टेंट पर करंट का एंगल होगा ओमेगा डी प्लस पाई बाई टू। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे रहता है, ये है फेजर डायग्राम। इसी को अगर मैं सिनुसोइडल कर्व से बनाऊं, ग्राफ से बनाऊं, साइन को साइन से, उसे देखिए। तो यहां सबसे पहले तो आप लिखेंगे एसी सप्लाई ई नॉट साइन ओमेगा डी, ये तो आप जानते ही हैं, ईएमएफ वर्सेस टाइम, ये एसी सप्लाई आप बना देते हैं, ये ई नॉट आपको बताइए, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट। अब करंट का क्या इसमें है? इस बार I is equal to I naught cos omega t plus cos omega t का ग्राफ है, तो cos का ग्राफ आप जानते हैं, इसकी रेफरेंस ऐसे लें, यहां से ऐसे बनाएं, थोड़ा सा वैल्यू कम रखें, जो I naught होता है बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा E naught से कम होती है, क्योंकि आपने देखा था यहां I naught आया था E naught upon 1 upon omega c, EMF से कुछ डिवाइड होता है तो करंट आता है, I naught की वैल्यू E naught से कम बनाते हैं, लेकिन ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, देखो ये कोसाइन ग्राफ है। अच्छा फिर ये नहीं होता है, ये बनाने की ट्रिक सिखाई हमने, तो ये जो ग्राफ होता है दिस इज प्लस आई नॉट, आई नॉट इज लेस देन ई नॉट, ऐसे शो करते हैं, गॉट इट?